अरे मेरी सास की सुसर को सुसरा ना कहूंगा तो क्या साला कहूँ? हुकुम, हमारे मोहल्ले में नहीं पड़ोसन आ हुआ है, जवान खूबसूरत सर की अप्सरा है अप्सरा। अच्छा जाइए। साले सन्नाटे, ना अपनी शादी करेंगे और ना तेरी होने देंगे। कहीं आपको चोट तो नहीं आई? सन्नाटे मेरे लाल, हमें एक हसीना यानी 21 ऊपर एक महीना से इश्क हो गया है। क्या? रसीले, ओ रसीली, क्यों चिल्ला रहे हो? आ रहे हैं अभी। अरे काम मर गई, ला पानी ला जल्दी से। हाय मैया, क्या हो गया लल्ला के भैया? हम अभी आते हैं, लिपस्टिक रह गई है बस। अरे मेरी सास की लिपस्टिक लगा ले पहले, या मेरी जान की लिपस्टिक बनी पड़ी है। ढंग से मेकअप भी नहीं करने देते। लल्ला के भैया तुम्हारी आदत ठीक ना है। हाय मैया, लल्ला के भैया किसने फोड़ दिया आपको, बताओ जल्दी। क्यों बदला लेने जाएगी? सारी रामायण पहले ही पूछ ले, पानी मत पिला दिए, जा जाकर पानी लेकर आ। और हाँ, मेरे लिए तेल गरम कर लिए, बड़ा दर्द हो रहा। लल्ला के भैया तुम्हारी आदत ठीक ना है, इतनी बात तो प्यार से भी कह सकते थे। मेरी सास की बददिमाग औरत। अब तो बता दो जी, क्या हुआ था? कुछ मत पूछ रसीली, ये गांव नहीं जाहिलों का अड्डा है। अड्डा, पहले चोरी फिर सीना चोरी। एक आदमी को हमने चोरी करते पकड़ लिया, फिर क्या बुला लिए साले ने 200 लोग, फिर सब मिलकर हमें कपड़ों की तरह धो रहे थे। देख भाई लैंडमैन, मीटर तो कभी हमारे बाप ने ना लगवाया जो हम लगवाएंगे। और रही बात बत्ती जलाने की, हम तो ऐसी जलाते आए हैं और आगे भी ऐसी जलाएंगे, क्यों भाई लोगो? सही बात है। तेरे जैसे कितने आए और कितने चले गए। तो आप मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी? अरे क्या क्या भाई हो लैंडमैन, प्यार की भाषा समझ में ना आ रही, दिखे तेरे नहीं आ रही समझ, बोलो क्या करोगे? क्या करोगे? एक तो चोरी की लाइट जलाते हो, ऊपर से हमको धमकी दे रहे हो। अभी निकालते हैं तुम्हारी हेकड़ी। हेलो जय साहब, मेरा ससुरा ऐसे ना मानेगा, दिखे आइए लो लो। हेलो, अरे ओ हरिया, बहुत बड़ा सुड़ता हो गया तू। ये गांव का सबसे दिलेर आदमी है जो एक निहत्ते आदमी को 10-10 लोंडों के साथ मिलकर मारता है। चौधरी साहब, ये हमारे घर की बत्ती काट रहा था। अरे आवाज नीचे करके बात कर, वरना जुबान खींच के गर्दन से लपेट दूंगा। जब बोलने को कहा जाए तब बोलना। भाई गांव में देखा ना पहले कभी? जी बिजली विभाग में है, कल ही पोस्टिंग हुई है हमारी यहाँ। अच्छा, तो मेहमान है हमारे। मेरे ससुरे डूब के मर जा कहीं, और तुम सब भी। सालो शर्म नहीं आती, गांव में आए मेहमान की बेइज्जती करते हो। हमें माफ कर दो चौधरी साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी मुझसे नहीं, इस अफसर से मांगो जिस पर तुमने जुल्म किया है। हमें माफ कर दो साहब। मेरे ससुरे, तुझे इनविटेशन देना पड़ेगा, माफी मांग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं ये लोग मेरा क्या हाल करते। अरे कुछ नहीं होता, आपने अपना नाम नहीं बताया। जी आनंद कुमार तिवारी, आप ही के बिजली घर में लैन जे ही हूँ जी। अच्छा 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 अच्छा, तो बत्ती घर में हो, अच्छी दोस्ती रहेगी आपके साथ, कभी आइएगा हमारी हवेली पे। जी बिल्कुल, लेकिन मुझे अभी घर जाना है, पास ही में ही रहते हैं। हाँ हाँ जरूर, चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको। नहीं शुक्रिया, मैं चला जाऊँगा। अच्छा, तो इसी बात पर हाथ मिलाइए कि दूसरी मुलाकात बहुत जल्द होगी। वो तो भला हो चौधरी साहब का, जिनकी वजह से आज हम सही सलामत तुम्हारे सामने हैं। हाय मैया, बड़े बहादुर है वो, क्या नाम बताया आपने? चौधरी साहब।
लल्ला के भैया उन्हें घर ले आते, हम उन्हें देख भी लेते, कम से कम हम उन्हें थैंक यू तो बोल देते। अरे मेरी रसीली, एक काम कर, उनके हिस्से का थैंक यू मुझे ही बोल दे। आपको क्यों बोले, आपने कौन सा पहाड़ तोड़ दिया, पिटपिटा कर तो आ गए, आप में कोई जान ना है लल्ला के भैया। क्या कहा जानना, इतना जान दिखा दो। छोड़ो लल्ला के भैया, हमें बहुत काम है, हमें झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है घर। पहले तिवारी का तो पोछा लगा दे मेरी जान। तुम्हारी आदत ठीक ना है लल्ला के भैया। जब रोमांस की उम्र थी तो रामायण पढ़ रहा हो, अब जब पैर कवर में लटक रहे हैं तो ससुर रासलीला सूझ रहा हो। इनकी रासलीला के चक्कर में मेरा नाश है गो, कभी छौके, कभी बादाम का शरबत, कभी सांडे का तेल, तो कभी शिलाजीत, हद तेरी बहन का बुड्ढा मारूं। बताओ कितने दिन है गए रसीली भाभी को देखे हुए, अबे देखूंगा तो तब जब इस बुड्ढे से जान छूटेगी। हुकम हुकम हुकम, क्या है गौ? इतने उदास क्यों हो, मैं आपके लिए शरबत लेकर आता हूँ। अब इसकी कोई जरूरत ना सन्नाटे। हुकुम, ये क्या कह रहा हो? एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इंगे को गिरा, कोई उंगे को गिरा, बहते हुए आंसू रुक ना सके, कोई इंगे को गिरा, कोई उंगे को गिरा। सन्नाटे, हमारी मलिकाए हुस्न, नूरे नजर, चश्मे बद्धूर, संग दिल सनम, ना जाने कहां छुप के बैठी है। पूरे 7 दिन हो गए खेतों के चक्कर मारते हुए, पर दीदार है कि होने का नाम नहीं ले रहे। हुकुम, मलिकाए हुस्न तो समझ में आएगा, पर ये नूरे नजर, चश्मे बद्धू, संग दिल सनम, ये तीन मालकिन कहां से आएगा, पतो ना चलो। मेरा ससुरे एक मिल ना रही, तीन और पकड़वा दे। अबे जब मोहब्बत इंतहा को पहुंचती है तो अपने मासूक के लिए न जाने कितने नाम जुमा बयां करती है। अब देख क्या रिया है, जा जाके हमारे लिए छोंका बना, आज हम अखरोट की पंजेरी भी खाएंगे। जी हुकुम, अभी लेके आता हूँ। बिस्तर बिछा दिया है तेरे इंतजार में, कभी तो आएगी मेरी जान, अब बिस्तर खेतों पे पड़ेगा। अकेले चले आओ जहां। भाई सन्नाटे, मजा आ गया आज के छोंके में, ऐसे छोंका हम दिन में 2 बार पियेंगे। जी हुकुम, हुकुम 3-3 घंटे में भी कूट कर बनाया। हुकुम, आज 2-3 घंटे की छुट्टी दे दो। क्या बोला? हुकुम, 8 दिन से मैं भी कूट कूट कर मेरे खवे भर गए, थोड़ा डॉक्टर को दिखाई आऊंगो और बाहर की हवा पानी भी खाई आऊंगो, 8 दिन से बाहर का सूरज भी ना देखो मैंने। हाँ ठीक है चला जा, और वापसी में डॉक्टर साहब से जापानी तेल लेता आइए। जापानी तेल? ऐ हुकुम, ये कौन सी सब्जी में डल है? ऐ मेरे ससुरे, तेरे मतलब की चीज ना है, बस यूं समझ ले जंग आए नटबोल्ट खोलने का ग्रीस। ले पैसे लेता जा और शाम से पहले आ जाइए। निकल। मेरी जान रसीली, 8 दिन हो गए तुझे देखे बिना, आरो है तेरा रसगुल्ला। झूठ बोल लिया। कौन है? ऐ होगा कोई, हमें तो अपनी रसीली भाभी से मिलना है। ये लो चाय। ओ मेरी गुलाबो, लाइए चाय। तुम्हारी आदत ठीक ना है लल्ला के भैया, 8 दिन हो गए हम इस गांव में आए हुए, आप है कि हमें घुमाने तक नहीं लेके गए, जाइए हम आपसे बात नहीं करते। अरे मेरी मक्खन मलाई, ऐसा मत बोला कर, मेरे दिल बैठ जाता है, और इस गांव में घूमने लायक ऐसा है ही क्या, ये गांव ना कदरों की बस्ती और जाहिलों का अड्डा है। अड्डा? ज्यादा झूठ मत बोलो लल्ला के भैया, कितने हरे भरे खेत बाग बगीचे तो हैं इस गांव में, हमने सब देखे हैं। तूने कब देख लिए?
लल्ला के भैया, जब हम इस गांव में आए थे ना और आप बत्ती घर चले गए थे तो हम गांव की सैर पर। रसीली, हमने मना किया था ना घर से बाहर मत निकलना, ये गांव हमारे लिए अनजान है, तुम्हें कुछ हो जाता तो। कुछ नहीं होता, हम आपकी तरह डरपोक नहीं है लल्ला के भैया। अरे मेरी सास की, तू तो जैकी चैन की औलाद होगी ना। खबरदार जो मेरे बापू को बीच में लाए, लल्ला के भैया तुम्हारी आदत ठीक ना है। अरे मेरी जब अबे वो सुअर जैसी शक्ल के कौन है बे? नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी जी, हम आपके पड़ोसी हैं जी, आपकी खैर खबर लेने चले आए। तो डायरेक्ट चले आते ना, ये ताक झाक करने की जरूरत क्या थी बे? अरे भाई साहब, हम ताक झाक नहीं कर रहे थे, भाभी जी हैं ही इतनी खूबसूरत, इन्हें देखा तो हमारी नजर हटी नहीं। भाभी जी खूबसूरत के साथ साथ खतरनाक भी बहुत है, बात बात पर छुरा निकाल लेती है। भाई साहब आप भी मजाक अच्छा कर लेते हो। मैं मजाक नहीं करता। वैसे नाम क्या है हमारे पड़ोसी का? जी सन्नाटा, आप ही के पड़ोस में नौकर हूँ जी, रोटी हंडिया से लेके झाड़ू पोछे तक का सारा काम कर लेता हूँ, हमारे मालिक हमें बेटे की तरह रखते हैं। तो नौकर हो? जी भाभी जी, आपकी आवाज बड़ी प्यारी है। ओ भाई साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, हमें लगता है अब आपको निकलना चाहिए, हमें भी निकलना है। अरे तो भाई साहब आप जाइए, हम रखते हैं भाभी जी का ख्याल। भाभी जी आपको कोई भी काम हो हमें बताई दो, झाड़ू पोछा सब्जी लाना सब मैं कर दूंगा। अच्छा, फिलहाल आप हमारे चेहरे से एक चीज हटा देंगे? जी भाभी जी बताइए। अपनी ये सुअर जैसी नजर। अल्लाह के भैया आप भी किसके मुंह लग रहे हैं, भगाइए इसे। अरे रसीली पड़ोसी है हमारा, ऐसा नहीं कहते। हम क्या करते, देखा नहीं है आपने कितना घूर रहा था हमें। अरे भाई तो इसमें उसकी गलती क्या है, तुझे जो देखेगा वो घूरेगा ही, तू है ही इतनी खूबसूरत, तुझे देखे तो बुढ़े भी जवान हो जाए। ए दिले नादान यूं मासूम न बन, वो है नहीं मगर उनके होने का एहसास हो रहा है। घबराओ मत मेरी मलिकाए हुस्न, हम अभी आते हैं। मुझसे चला नहीं जा रहा।